बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम बेकार हो गई ना, एकदम बेकार, कुछ नहीं। आके गांव में गोली खेल रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ कर के कुछ ना। हमके राशन भी ना मिलत रनिया। हाँ, या दुनिया जाके देख लो कि हम अपन के राशन जौनन के धन बल बा दुनिया का मरे फटत बा घर दुआर धन बल आ वो के मिलत है राशन ललका काट। हमके उजर को न मिलल। कितने जाने के राण के दल, कितने जाने के गोरु बछरू बिचुआ दल, ये कुल कर ले आओ। गोरु बछरू का रक्षा करत हमें पहले गाय बिल्कुल लख दुआ दे। मोदी सरकार तो सबके ले लेना। हाँ, ओ में ना तो कोरोना का सुई लगवावत हुआ कि जनता जी कि मरी आ दूसर में मर जाएगी जी, संख्या कम कर हुआ। अब सुई लग ले आदमी मर जाए तो कहाँ। हाँ, कहाँ ना मर जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अब अपनी चुनावी चक्का जो है जखनिया विधानसभा में आ गई है। शहरों में बहुत बात कर चुके, जब तक बात गांव की ना हो तब तक पता कैसे चलेगा कि महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं। महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे बहुत हुए, महिलाओं के सम्मान की बात हुई, महिलाओं के लिए सब कुछ बात हुई। महिलाएँ क्या सोच रही हैं यह महिलाएँ बताएंगे। कहाँ चाची, कहाँ तो कहाँ भाई बैठल बात, गाना थोड़ी गा एक बार। हे चाची गान बोली नहीं पाई बू, एकदम बोल तो रही है। नहीं नहीं बोल दा हो। कौन कौन सुविधा पहुँचल ई बतावा, बस नाम कहा तू है, ऐसे मुहा दिखेबू तब ने। कौन कौन सुविधा पहुँचल गाँव ले, गाँव के विकास कर एक बात होता है, का का विकास पहुँचल अपने गाँव में। अच्छा, मोदी सरकार के बारे में। हाँ, मोदी सरकार और योगी सरकार क्या दे पा रही है आप लोगों को, कहाँ देखो मोदी सरकार नहीं देता। हाँ देखो, नहीं देना का वो गैस एगो मिल गल बा, एगो मोदी का पैसा 2000 मिल गल बा। मिलल के ना मिलल, कितना नहीं मिलल 2000 रुपया। अब के मिलल 4 अला के 3 अला, ये ना मिली। अब तो वो ना मिलत है, ना मिलत है, नहीं वो राशन फ्री बा। हाँ, वो ले लेके कोरोना आ गए, कोरोना न तरकार राशन मोदी दे कुछ ना दे। गैस तो दे ले बा, लेकिन 1000 1100 भराई ले तो गरीब आदमी कहाँ से भराई। सही बात, तो चुलिए चुलिए फुका था का वो। हाँ, चुलिए फकला बै तो गैसो का कहलू, गैस लईकी पड़त बा तो ले गई बा। गाजीपुर रहे ले अपन रूम लेके पड़े ले तो अपन ले गई गैस। हां, इतना महंगा गैस वाला। हां, 1080। हां सही, तो गैस वो भराला नहीं काहे ना बहनी, दली भरा जाए चूल्हे हनुमा के पे बनेला, चूल्हे पे बनेला। हां ना, चूल्हे पे बनेला। हां, गैस पर बनता भाई हिसाब से ना कोई बनाई, गैस पर चाय पानी बनाई। अब खाना उतना बनाओ लगे तो कहां से भराए के पैसा आई रोज रोज। आ चूल्हे पर आदमी आराम से कहने की महिला अब चूल फूकर छोड़ देनी, अब सब गैस से झट से खाना बना लेता। नहीं अमन का चूल्हे पर बना ले, इतना महंगा गैस की कहां से के गैस पर। तो इधर से काम धरी तो वही का, उधर से काम धरी तो ना भरवैलू जब से मिलल गैस। अरे आदमी भरावे के तो जब से मिला बच्चा चलाला 5-5 हला के ओका 10 हला हो गेल होई। हां, अपन बतावा ना दूसरे के। आया अपन तो चलाला 5 हला भराया ल। हां, कितना साल भइल मिलले, साल भर हो गेल हो, 2 साल में खाली 4 नहीं भरवैले, 4-5 हला भरावले हम। अच्छा रहला लइकिया भरवले हो जइन जहां लेके रहे। कितना नहीं भरवैलु चाची, हमार 7-8 हली भरावला। महंगा हो जात खास के होबा, हिम्मतिए नहीं पड़त पैसा से हिसाब से लगेला। बोल ला जात बरियाई से बोलत, तू के मिलत 2000 रुपया। नहीं अब बंद हो गेल, ना मिलत, कहे से बंद मिलत। दुम पे पारी ओटवा देबू कि नहीं बतावा। अब ओटवा तो महिला लोग तो दी हैं, ओटवा तो देवई के बच है ना, वोट देल जी मोदी ना दे काहे का मोदी देत कुछ ना देत। मोदी देत तो बाटे राशन देत हवे, सब राशन देत हवे, बस गैस दे ले हवे और खा दे ले हवे। 2000 रुपया आवत वो अमन का बंद हो गल। रसनवा तो फ्री मिला था चाची, नहीं ये खाला फ्री या ये खाला पैसा से। हाँ, शुरू से ऐसे रहल कि शुरू में दूना फ्री, शुरू में तो भाई जब ले मतलब ज्यादा कोरोना कर रहे हैं प्रकोप तब तो मतलब कि एकदम फ्री मिलल। हाँ, लेकिन अब कम हो गल, अब एक खाला पैसा से खाला फ्री।
ये हो गया है, मतलब एक बार फ्री मिलेगा। अरे बहुत मोदी का कह लेबा कि ये तनी फोर लेन था बना देले, तनी रास्ता वास्ता सब बढ़िया कर देले बा। हाँ। मोदी की राज में ये बनल बा। हाँ। उचाची का थे उनाई दी है, तू बतावा वोट। हाँ। अरे जब ये आई तो देवही के है के। अब जे के दिया, अब तो समय का बात ना बताइए भाई, समय का बात ना। हाँ। जी हर जनता पलटी हो रहे, फुल पलट जाइए ना तेल जला हाथी पर पड़ जला मोदी के। अच्छा तेल जला हाथी पर पड़ जला मोदी जी था। हाँ। मन का बहन जी कहाँ जीत है नी। हाँ। बहन जी कहीं ना बननी मुख्यमंत्री, अब दूसरा हो बने दा का थे। ठीक है मोदी जी बननी के बने, अखिलेश बनी है अंदाज से तैसन लगेला काहे ऐसे लगेला मोदी जी का तो कि प्रचार बहुत ज्यादा लोग के। हाँ। आप बताइए क्या माहौल है आप लोगों के गांव में? हमारे यहाँ माहौल अखिलेश यादव का है। अखिलेश क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि 40 लाख रुपए उन्होंने दिया था आरसीसी के लिए, मनियारी तरीके हम रहने वाले हैं, और 50 वर्ष हो गया, कोई भी प्रधान आज तक मनियारी तरी में एक ईंट भी नहीं रखा है, न लेटरिन रूम बनवाया है। गांव में तो बना है शौचालय खूब, मोदी जी योगी जी बनवाए, अपने से लोग बनवाए, अपने पैसे से बनवाए हैं। मोदी का शौचालय बना और ढह गया। अच्छा, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस पैसा दिखाया लिया, इसके बाद वो समाप्त हो गया। हाँ, बस दिखावा है कि तो गाँव तक नहीं पहुँच पा रही है क्या योजना सरकार? कोई योजना नहीं पहुँच रही है। राशन पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है? राशन पहुँच रहा है, उसमें भी कोटेदार खा जा रहा है। अच्छा। उसमें तौल कम कर रहा है। हाँ। सबसे केजरीवाल सरकार है लेकिन क्या का चाची? सबसे निक केजरीवाल सरकार है। हाँ। और अपने देश दिल्ली कहाँ पहुँच गयी भाई? सरकार का माने में सबसे निक केजरीवाल है, महिला के हर सुविधा। हाँ। बस का किराया ना लगेला। हाँ। महिला के। हाँ। न तो हर चीज का व्यवस्था केजरीवाल दे ले, न तो लाइन का पैसा 200 यूनिट चलावा, कितना क्यों चलाई दिल्ली में, कितना सरकार। तू तो बहुत जागरूक हो, वैसा सरकार चाहिए नहीं बना पाई। क्या रही है केजरीवाल? लेकिन वो अपने ही देश का है, इन ही बाकी अपने 5,000 महीना विधवा के पेंशन, वो अपन गुजारा अगर ना भी कोई दे तो चला ली। लेकिन यहाँ 1600-1800 रुपया 6 महीना में, अगर बेवा में हरा रहे तो कितना खर्चा चले, इतना महंगाई में महीना है ना। हाँ, कितना में 500 में चलाई, अकेला पेट भी ना चल सका था, इतना महंगाई है। इस बार आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। हाँ। केजरीवाल वाला पटियो लड़ी तो देबू, केजरीवाल ठीक है। हाँ। केजरीवाल के कोई भी दे सकत हो, कहे कि वो इतना अच्छा काम करेला। कहाँ केजरीवाल? उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुँच गए भाई, हम वहाँ का सुविधा बहुत देखनी। कहाँ से जानकारी मिला था? हम वहाँ गई नहीं, हम रहनी। अच्छा, दिल्ली 4-5 महीना, लेकिन घुमानी जहाँ जाए के रहे हमके एक सर रन प्रोफेसर पॉलिटेक्निक का, तो उस सर के बोलावले रन हमके कि जब भी आना तो मेरे घर आना, तो सर के नहीं गई आर के पुरम, रोहिणी से आर के पुरम का हमके 1 रुपया टिकट पैसा ना लगन, फ्री में टिकट। हाँ, फ्री में गई नहीं, फ्री में वापस आई नहीं। तो हम कहने कि यहाँ का सरकार बहुत अच्छा है। तो फिर हम सर यहाँ तो बिजली भी पैसे लगता होगा, तो कहते नहीं, यहाँ बिजली का और राशन का ये सब का पैसा नहीं लगता है यहाँ। राशन आपका लाल होगा तो 90 रुपया, नहीं होगा सफेद होगा तो जो आपके देश में लगता है वही लगता है, और फ्री हो जाएगा तो फ्री हो जाएगा। लेकिन वहाँ हर चीज चना चावल हर चीज मिलता है, चीनी सब, गेहूं चावल, यहाँ खाली गेहूं चावल। हाँ। तो केजरीवाल सरकार तो अच्छा है ना, बिजली का भी खर्चा ना, और प्लस कहीं भी ट्रेन से जा था बस से जाए तो खर्चा ना, वहाँ का सरकार सबसे। यहाँ अगर फ्री कह दिए तो तुलन घूमबे कर घरे कम में ना। हाँ, नहीं ऐसा बात ना, जैसे काम रही तब यहाँ तो रोपनी सोनी कूल है, वहाँ कुछ ना। हाँ। फिर भी काम रू अपन ड्यूटी करे जानी, आराम से जानी, पैसा ना लगेला, कमैया चवन उनके खाता में आई। सही बात, 10,000 मोती सरकार तो वही 10,000 मोती खाता में भेज, वोट खाए न कहा था कि 10,000 रुपए, वो क्या कह रही हैं कि 10,000 रुपए अगर मोदी खाता में दे तो वोट दिया जाए? नहीं, सही कह रही हैं, उन्होंने वादा किया था कि काला धन इकट्ठा करके हम गरीबों में बांटेंगे, उनके खाता में देंगे। आप घूस मांग रही हैं भाई, लेकिन लेकिन एक बार भी महिलाओं के खाता में वो नहीं डाले। अच्छा, आप बताइए बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम बेकार हो गई ना, एकदम बेकार, कुछ नहीं। आके गाँव में गोली खेल रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ करके स्कूल बंद कर दिए। अब तो खुल गया ना चाचा? अब खुल गया तो 2 महीने में कितना पढ़ेंगे? हाँ, उन्होंने सीसी कमरा लगवा दिया कि एकदम नकल विहीन परीक्षा होगी। हाँ, हाँ, लेकिन उन्होंने पास कर दिया बिना किसी परीक्षा के, उनका रिजल्ट आ ही चला गया। हाँ, हाँ। कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगवाए कोई फायदा नहीं, परीक्षा बिना नकल की होगी और
इसी तरह से नंबर जो है कि उनको दे दिया गया। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में कितना विकास हो गया? हम लोग तो भाई सफाई है, सफाई है, सपा को वोट देंगे, इसलिए कि हम लोग, हमको लाभ मिला है तो अखिलेश के राज्य में मिला। क्या मिला अखिलेश के राज्य? मेरी लड़की भर्ती हो गई और साइकिल मिली, पैसा मिला, सब मिला, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। पढ़े लिखे युवा है, युवा नेता है और पढ़े लिखे हैं वो। युवा नेता तो योगी जी भी हैं, वो भी उनको भी युवा नेता बोला जाता है। नहीं, योगी जी क्या नहीं भाई, युवा नेता नहीं, युवा नहीं है वो। इतना तो चाचा कहा जा रहा है कि गांव की स्थिति जो बदली वो कोई सरकार उतना नहीं बदल पाई। जैसे रोड पे महिलाएं शौच के लिए जाती थी, अब महिलाएं घर में बदली। मतलब जाकर आप फोटो ले लीजिए, वो मकान बना है ठीक उसके सामने, दोनों तरफ लैट्रिन रूम जो है कि मोदी का जोगी का बना हुआ है, जाकर के ले लीजिए, खंडहर है इस समय, जाकर वही ले लीजिए, रिजल्ट है वो। हाँ, वो रिजल्ट है, वही बना है मकान के ठीक सामने, उसका फोटो आप ले लीजिएगा, वो शौचालय बता देगा एक महीने रिजल्ट। और हमारे यहाँ पहुँच जाइए, एक भी जोगी मोदी का शौचालय नहीं बना है। हाँ, वो कागज में भले बना हो, प्रधान लोग भले पैसा उतार लिए हो, अलग चीज है। हाँ, लेकिन एक भी शौचालय सब लोग अपने पैसे से बनवाए, जिनका स्टैंडर्ड बना है ये अपने पैसे से बना है। हाँ, एक भी शौचालय सही नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, ना ना कोई, सब योजना बेकार है। हाँ, सरकार कैसी लग रही है भाई? सरकार बहुत खराब है, हम लोग की पढ़ाई को जितना क्षति पहुँची है, दो साल से हम लोग एकदम बेकार है। हम लोग ऐसे ब्रीम पास कर दे रहे हैं, पढ़ना लिखना नहीं पड़ रहा है, कितना आराम है। आराम की बात नहीं है, हम लोग की पढ़ाई जैसे वो लोग कर रहे हैं, आगे चलकर हमको बहुत दिक्कत होगा ना। बहुत दो साल से हम लोग, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, घर पे हैं, हम लोग अभी तक पढ़ाई किए होते, फर्स्ट ईयर में तो हम लोग का मतलब कुछ पढ़ाई हुआ भी, जब से लॉकडाउन लगा तब से हमारी पढ़ाई रुकी हुई है। घर पे बैठे हैं, कोचिंग के भरोसे हैं, क्लास चल नहीं रहा है। अब हम लोग का फरवरी में रिजल्ट आएगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा, उसके बाद मार्च में एग्जाम होगा, क्या पढ़ाई किए हैं। सर शिक्षा अभियान ये भी देखते चलिए, बच्चियां जो हैं वो स्कूल जा रही हैं और मुझको थोड़ा तेज चल के उनके पास पहुंचना पड़ेगा। मैडम आती है बेटा, रुको रुको बात करो बात करो। मैडम आती है बेटा पढ़ाने, डरना नहीं भाई, दीदी हूँ ना तुम्हारी, आती नहीं आते, सर आते हैं लोग। मैडम है ही नहीं क्या स्कूल? नहीं मैम नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं, पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ, ड्रेस नहीं मिला तुमको? नहीं ड्रेस नहीं मिला है। पापा के खाते में पैसा आएगा? हाँ, आया है? नहीं हम लोग के पास अभी नहीं आया है, हमारे खाते में आया है। आया है तब भी नहीं सिलवाई हो? पहनना चाहिए ना ड्रेस। हाँ, अच्छा मिड डे मील बनता है, दोपहर वाला खाना जो? हाँ, बनता है। अच्छा बनता है? हाँ। क्या बनता है? सब्जी चावल, नहीं तो कभी सब्जी दाल। कभी ऐसा होता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। रोज पक्का? हाँ। सही बता रही है? सही बता रही है। सरकार बोल रही है कि गरीबों तक बहुत योजना पहुंचा दी है, एकदम आप लोग खुशे खुश हैं, तो बताइए अपनी राय। हम लोग कुछ नहीं मिला, नहीं मिला हम के पूछना में, हमके राशन भी ना मिला था रनिया। हाँ, या दुनिया जाके देख लो कि हम अपन कि हमन हंस रही हैं कि हमन दोगला कहा कहे के बा, हमन के राशन ना मिला था। ये रानी है, ये चूलचा कि हमार देख ले, ये माजत है, धोत है, हम बनाई ला खाई ला, गिर पड़ के हाथ गोड़ टूट गया ला। सुन ला, हमन के केवनो उठवे ना मिल लाला, केवनो कुछ हमन के ना मिल लाला। महिलाओं के लिए सरकार कह रही है कि महिला लोग बहुत खुश हैं, गैस ओस दादी गैस पहुंचा देला। मिलल बाबा ने हम के ना मिलल, गैसवा मिलल कि ना ही बतावा। मिलल काहे तुमसे बतियावत नहीं हूं, भाग जाता हूं। गैसवा मिलल? हां सही बात, मुंह से बोले बा, पैसा थोड़ी मांगा था तुसे, का वो गैसवा मिल के का करे बताई, कौन सुविधा मिले तब ना करबो, जना उठावल जा मन के। हां खानवा के पे बनेला, चूल्हे पे की गैस बनेला, मन के चूल्हे बनावल जाला, जना पैसा ना के मन के बरावल दे की काम। गैसवा धैल बा? धैल हो ऐ तेरे को दादी, कहा था मैं सरकार लोग कहा था कि जन महिला लोग हैं वो लोग हमसे बड़ा खुश हैं। हाँ खुश तो बटला बन जा, उनसे पैसा वैसा देत बाना, बाकी हमके ना मिलल बा, खेतो का पैसा ना मिलल बा। हाँ पैसा पे मेहरारू लोग खुश हैं? खुश है ना बानी लोग। हमके गर्दन ना मिलल बा। तू के काहे नहीं मिला था? अब हम कहा बताई, जे चलाक बात अपन बनवा ले, हम के कहबा ना करा ला। बोले लू नहीं का प्रधान उर्धान लोगन से? अब हम का प्रधान बतिए ना सुनल ना, खाली पर खाली गोड़ पर ना सुन, जब प्रधान ही वोट लेवे के रहला तब गोड़ पर ना सुन, मारे रोवा लगा ना तो उठवा दे देला, आ केवनो हमन के कुछ ना मिला ला। हाँ गरीब कौन है भाई, देखिए
जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, जो प्रधान लोग हैं, वो यहाँ आते हैं, इन लोगों के पैर पे गिरकर वोट मांगते हैं। यमुन के धन बल बा दुनिया का मरे फाटत बा घर द्वार धन बल आ वो के मिलत है राशन ललका कार्ड, हमके उजर को न मिल रहा है एक भी राशन कार्ड नहीं आपके पास। अब ही ना जाइला तो सुन भगा देला कलक भाग जाके पता तो हम कल का अंगूठा मन यारी लग रहा है हमार रसनवा मन यारी मिल रहा है अंगूठा तो गाजीपुर लगल है दस दस किलो ना दे तो सुन भगा देला हाँ राशन ना देला कोई योजना नहीं ना ही ना कुछ ना रनिया कुछ ना मिला के देवु वोटवा जब कुछ ना मिला था तब मोदी के देव ना की योगी की ना ना जानी जब कुछ ना मिला था तब कहा है ये भैया जेके राय बात हुई जेके कही सब जाये तेर हम जाये ला रनिया हाँ सबके मिला था तू के ना मिला था ना मिलत बा ना ही सब कही तो देवु हाँ दे देव हाँ का करब जब सब जब बिरादरी में दसवे में रहे के बाद जहाँ सुन कही हम दे ला हाँ आप लोग मायावती को डालती है ना वोट कहा उनके डाली के वोटवा का करीब पावत है वोट तो कहा झूठ मुठ के वोट पड़त बा के डाले के उनके दिया था बा बाकी कहाँ बेचारी पावत बानी नहीं पापा ना पावत कहाँ चल जाला वोटवा कहा जन मोदी के चल जाला मोदी के यहाँ चल जाला हाँ। तो सोचा तू जब वहीं जाएगा तो सीधे वहीं हम ही पहुँचा दे हाँ। एक दिन डलबू वहाँ पहुँची वहाँ हाँ। तो हम सीधे वहीं पहुँचा दे हाँ, 4.5 साल में योगी जी के काम काज कैसे लगे कर ठीक लगल जो कहले तो ठीक लगल कितनी जाने के राण के डाल कितनी जाने के गोरु बछरू बिचुआ डाल ये कुल कर नहीं होता गोरु बछरू का तो रक्षा करत हमें पहले गाय बिल्कुल लख दुआ डाल है कुल बिजनेस वाला माल जकरे दू गो चार गो गाय रहते रहिए जिया खियात रहा बेचत रहा दस रुपये पावत रहा वो कुल खत्म होगा गाय नहीं बेचने दे रहे हैं। अरे भाई रखबे नहीं करी थी बिचाई कहाँ से तो ये हम जानते थे आप लोग का कमरा उमरा इसमें सेट हो जाएगा सब बात होगा यही बात में होगा बात तो, जाएगा लोगों तक हाँ बात हो ही जाएगा तो उसमें कौन गलती है बात यह कि भाई जैसा महल आएगा वैसा देखा जाएगा हम कहते उसी उन्हीं का सरकार है तो फिर उन्हीं का सरकार बनेगा तो सब जाएगा काम हुआ नहीं जाएगा पेंशन वगैरह मिल पा रही है कि नहीं आपको पेंशन मिल पा रहा है कि नहीं किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए सरकार दे रही है वो मिल पा रहा है कि नहीं 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 मिल पा कुछ रहा नहीं। तो जो योजना और दावा है वो जमीन पर आने के बाद ऐसे गायब होता है जैसे गधे की सींग वो जैसे उसको ढूंढा जाता है वैसे यहाँ पर आकर योजना ढूंढ लीजिए कुछ भी नहीं दिखता ये मिट्टी के मकान भी देख लीजिए खूबसूरती है चाची क्या कह रही हैं सरकार आप लोगों को इतना सुविधा इतना पैसा दे रही है वोटवा हाँ। देंगे कि नहीं ये बताइए वोटवा तो बनी काय ने इतना कुल बना दे बड़ा मोदी जोगी मिल के तो वोटवा तो देबो न करी आदमी का बनैने कच्चा हाँ, हुआ तो कौआ तो बतिया कहत है कितना बना दे बड़ा कच्चा मकान बा विकलांग आदमी के कुछ सुविधा न आवत बा न कोनो चीज आवत बा मकान देखा लोग न कच्चा बा का बनौ न तुरे गाँव में केहू के नहीं बनल का ना ना केहू के ना बने ना 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 केहू के ना देखा है कच्चा मकान है का बनौले हो कुछ ना बनौले हो बनी तो उ तो ओहर तक कहल जाता कि गाँव के कुल मेहरारू खुश बाटी गैस पाके और शौचालय मिलके और राशन मिलके तो खुश बाटू कि नहीं नहीं एकदम नहीं तनको भर नहीं का खुश रह जब हम दुखी है तो हम खुश कैसे है बताओ तू ही विकलांग आदमी के कोनो सुविधा ना आवत बा न पैसा जो मोदी देते बाड़ा सरकार ने हुआ और योगी बाकी कुछ सुविधा ना देते बाड़ा 1500 रुपया तीन महीना पर मिले के बा उसे बतावा के का खर्चा चली के को चली विकलांग का तू ही बतावा बहनी उसे चली खर्चा 500 रुपया महीना हाँ 500 रुपया महीना जोड़ ला तुम उसे का खर्चा चलत है हम का कही तो के देबू वोटवा है पारी ओहर का ओहर उनसे नाराज हो तो के देबू वोटवा ही तो बतावा वोटवा के दे हाँ। जे देखल जी जे सरकार बनी वही के दे दे कैसे जान जेबू की के कर ना जान जाने के जहाज जनता जाए जहाज देखी जनता दे रही भैया वजह दे दे हाँ। तो हाँ। जे के लाभ मिली ते ओहर दे हाँ जे के लाभ मिली ते के दे या जे के ना लाभ मिली तो का दे अमीर आदमी के जिया तो का लाभ देवे ला हूं महंगा इतने गरीब में गरीब आदमी इंसान का करी जब मजदूरी बढ़बे ना करी तो इंसान का करी हैं
जब मजदूरी बढ़ेगी चाहे जन हिसाब से कुल चीज बढ़ता हिसाब एक एक आदमी पर दे पाँच किलो आवत है राशन उसे पूरा महीना खा लेता आदमी कि राशन पहुंचा रहे हैं कोई भूखे नहीं मर रहा है बताइए तू ही बतावा पाँच किलो राशन लेते हैं कौन पाँच की जगह क्यों अब दुकान पे इतना महंगाई है तो इंसान क्या करे मजदूरी बढ़ नहीं रही है तो इंसान क्या कर सकता है अपना पेट पालन करेगा कि कपड़ा लता के करेगा कि खान पीने के करेगा पढ़ाई लिखाई बच्चे की है इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा जो सरकारी नहीं कुछ छूट दे रही है तो आदमी क्या कर पाएगा मजदूरी बढ़ नहीं रही है आदमी ऐसा नहीं ना कर पाएगा महिलाएं उधर दावा हो रहा है कि महिलाएं बहुत खुश हैं इस बार कैसे खुश हैं महिलाएं जब पैसा आएंगे घर में तो कैसे खुश हैं जब महिलाएं तो खुश है ना दादी नहीं कोई नहीं खुश है ऐसा नहीं खुश है कि कुछ लाभ मिलते नहीं है बच्चा कैसे खाएगा कैसे जिएगा वो कटौती हो जाती बा के कैसे कैसे का बच्चन जी आई के का करी खेती करी बारी करी का करी मोदी सरकार तो सबके ले लेना हाँ ओ में तो कोरोना का सुई लगवा कि जनता जी की मोरी दू साल में मर जाए की जी संख्या कम कर सुई लग ले आदमी मर जाए तो कहाँ हाँ कहा न मर जाये ऐसे नहीं कहा संख्या कम हो जाए बच्चा भी कम हो जाए का चाची तनी हमें लगे हमके रोग ना रहला रोग उभर गल हम सुई लगवा ले नी हम मरा तमाम हो गई नी हम का हो गई तू के सुई हमके घबराहट हो गल हाथ ऊपर सुन हो गया अब अही तक ले हुआ प्रोसीजर बा हमारा का करी अब हम तो गरीब आदमी कहाँ से हम सुई दवाई कराई हाँ अब मरी ये कोरोना वाला सुई लगवाई ले से भाई हाँ अच्छा अब हम मारी अब यही तरह अब घबराए खाते क्या तो सुइया लगवाई एक थे अभी लगा पहला लगा तो दूसर का लगवावा सही हो जाएगी लगवाई बु डर हमके लागत बा हम लगवाई एक को लगवा के हम खुद हम परेशान गरीब आदमी हम दवाई सुई कहाँ से कराई हाँ दूध आई लगवावे के बाकर कोर्स दूध आई के है दवाई आधा टाइम खेबू तब कैसे हुई खुश होगी ना खुश हो पहले ही बतावा तू भाई हम ना खुश है सरकार से काहे चाची महिलाओं के गैस देना शौचालय देने कुछ देना हमके हमके कुछ ना मिलल है हाँ ना गैस मिलल है ना लाइटिंग मिलल ना कुछ कुछ नहीं कुछ हम चला अपने घर हम देखाई कुछ हमके कुछ नहीं मिलल चाची कुल जानी सुई लगवा दे ले हुआ ये देखा विकलांग आदमी और बैठक कर देना कौन हम विश्वास करे कि सुई बढ़िया आया कि अच्छा कि घटिया कि कैसन बात देखत है तो सामने लौकत है देख तू सुई लगे का दिक्कत हो गई का दिक्कत है गोड़वा से एकदम परेशानी उठ बैठ ना जाता हाँ अब बतावा तू ही तो तू लोग डरा लो का सुई ना डर नहीं ना लगवा नहीं बढ़िया बढ़िया को तो सुई एक दाई और लगावे एक बार गैस दे ले बड़ा सरकार दे ले बा गैस दे के भुलवा दे ले पाँच किलो राशन दे वही पर महीना भर अपरता से खा महिलाओं के बारे में आज तक कोई सोचा ही नहीं महिलाओं का सम्मान तो हम लोग कर रहे हैं आप लोग रोड पे जाती थी तो आप लोगों को सुरक्षा के लिए घर में शौचालय सही बात है चूल जलाती थी तो आप लोगों को गैस दे दिए सही बात है जो गैस में पैसा नहीं हो तो गैस कैसा भरा जाएगा जब मजदूरी बढ़ेगी नहीं तो गैस किससे भरा जाएगा कहाँ से बढ़ेगा जब मजदूरी बढ़ नहीं रही है महंगाई इस तरह तो कैसा आप कहा तो है कि चुनौवा ले दे गालियों दे तिलों दे जीत जाइए तो फिर भुला जाइए हाँ जीत गए के बाद कौन तो काहे के जीतेबे करे के हम ना जीतावे के मोदी के मोदी के ना जीतावे काहे के हमन के बहुत तकलीफ दे देना हम ना जीतावे के गरीब आदमी माटी गर्रा करत बा वो बंद कर दे तो बाना बाहर जात मना लवट के चलियो तो मना लड़का तो खूब खाई ना तो कोरोना रहल ना चाची तो का करें बेचारा कोरोना उनके ना हमाना खातिर कोरोना खाली गरीब आदमी के कोरोना आ उनके आइया ना बा कोरोना सुई लगवावत हम तो आई करत हम तो फ्री में अनाज देत हम खाली चौरा गोहुआ खाई जा कि ऊपर के दाल दिया तेल दिया कुल दिया कहाँ से हमन खाई जा हम लोग नहीं कुछ बाटू हर से बताल जाता कि महिला लोग बहुत खुश है ये बारी कुल महिला लोग वोट दी है भाजपा के ना हमार ना खुश है जा खुदा बीमार पानी मरब की जी अब कैसे वोट हम सुइया तो गलत लग गई बातों के
कान कौन ना चाची। हाँ सुइया हमके गलत लग गई ले। नहीं सुइया से नाराज नहीं है, खाली महंगाई से हमन के नाराज। हाँ खाली परेशानी महंगाई से है। एक तो कमाई होता ना है, दूसरे इतना महंगाई बा, कैसे खाए जा दाल इतना महंग, दाल तेल इतनी महंग। खाली तकलीफ है और कुछ हमारे महंगाई मुद्दा है। आप लोग दोस्तों आप देख रहे हैं हम महिलाओं के बीच में हैं, जिन महिलाओं को दिखा कर ये कहा जा रहा है पोस्टरों पर महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, हम गांव में आ रहे हैं, हम उन महिलाओं को देख रहे हैं जिन महिलाओं का वोट बैंक बताया जा रहा है कि भाजपा की तरफ है, बताया जा रहा है कि महिलाएं गैस से खुश हैं, जो उज्ज्वला योजना है उससे बहुत खुश हैं, जो स्वच्छता के लिए जो आपने शौचालय बनवाया उससे महिलाएं बहुत खुश हैं, राशन से महिलाएं बहुत खुश हैं। तो हम गाँव के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक है बहुत बड़ी उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं। ये लोग बता रही हैं कि कोई योजना जो पोस्टरों पर है, जो आंकड़ों में है, वो जमीन पर दिखी नहीं रही है। हमारा देश विकास कर रहा है, महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लिंग अनुपात में भी अब महिलाएं काफी आगे बढ़ गई हैं, 1000 पुरुष में 1020 महिलाएं हैं। तो महिलाएं एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं चुनाव के समय, ये भी समझने की जरूरत है। खाली शहरों के लोग वोट नहीं देते हैं, गाँव के लोग भी वोट देते हैं, गाँव के लोग भी अपने विकास की दुहाई में पूछ रहे हैं सरकार से कि हुक्मरान आप कब इस तरफ आएंगे और इस घरों को देखेंगे और इन महिलाओं से पूछेंगे कि सब योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं। हम ऐसे ही कवरेज लेकर आपके लिए आते रहेंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।